Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर. तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि इस गेम में हमें करना है कार का बिजनेस. तो अभी अपने पास है एक छोटी सी कार डीलरशिप जिसके थ्रू पैसा कमाने के लिए मैं लोगों से उनकी पुरानी गाड़ियां खरीद रहा हूँ और उसे रिपेयर करवा के एक अच्छे प्राइस पे बेच रहा हूँ. वैसे ऐसे कुछ खास प्रॉफिट तो नहीं हो रहा, बट हर गाड़ी पे $500,000 मिल जाते हैं. तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही गाड़ियां बेची है और थोड़ा बहुत पैसा कमा लिया है. बट थोड़े बहुत पैसे से कुछ नहीं होने वाला. मुझे लैम्बोर्गिनी, फरारी, बुगाटी ये सब लानी है भाई अपने डीलरशिप पे. तो उसके लिए बहुत जल्दी अपने बिजनेस में दिमाग लगा के आगे बढ़ना होगा ताकि अपनी ये डब्बी सी डीलरशिप एक दिन एक बड़ा शोरूम बन जाए. लेट्स गो, चलते हैं बिजनेस पे. बातें करने से कुछ नहीं होने वाला. बट हाँ, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा है उसे दबा दोगे तो शायद बहुत कुछ हो जाए. क्या पता अगली वीडियो में हम लोग बुगाटी का शोरूम खोल दे. मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ यार कर दो सब्सक्राइब. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नो मोटर्स. वेट वेट, ये टेक्नो मोटर्स नहीं है, ये तो ऐसे कंटेनर है क्योंकि अभी हम लोग बहुत ज्यादा गरीब है तो इसी छोटे से घर में रह रहे हैं. अब इसको घर बोल लो या कंटेनर बोल लो मुझे नहीं पता, बट हाँ अभी अपना घर है, मैं यहीं आके सोता हूँ. फिलहाल अभी चलते हैं डीलरशिप पे. तो ये है अपना ऑफिस और बस की टिकट लेके आना पड़ता है $10 देके. यस, तो ये है अपनी डीलरशिप टेक्नो मोटर्स. एंड लास्ट एपिसोड में मैंने एक ये वाली गाड़ी खरीदी थी. तो ये होंडा अमेज है जो कि थोड़ा बहुत पुराना मॉडल है बट गाड़ी बहुत बढ़िया है. तो मैंने इसको सेल पे लगा रखा है बट अभी तक कोई कस्टमर आया नहीं है खरीदने से यार. लेकिन वो सब तो ठीक है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है ये मेरे शोरूम के आगे कूड़ा कौन फेंक के चले जाता है भाई. माँ खराब, गंद मचा रखा है, क्या कूड़ा खत्ता है ये? इतना प्यारा भाई टेक्नो मोटर्स, क्या क्या इतना भी बुरा नहीं है यार. बंदे से कूड़े की दुकान समझ के कूड़ा फेंक के चले जाते हैं. चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात होती है सफाई वफाई करना. कोई फेंक रहा है, हम सफाई कर रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं, एक दिन भर भर के कस्टमर भेजेगा. बाकी एक बार अंदर चलता हूं मैं पहले चेक करता हूं कि भाई गाड़ी का प्राइस आखिर कितना डल गया जो कस्टमर आ ही नहीं रहे. तो ये है अपना वेब पेज और अपने पास है, सॉरी ये होंडा अमेज नहीं, होंडा सिविक थी है. इसका प्राइस मैंने $7,500 डाला है. मैं इसे लेकर आया था 2697 में. 480 का मैंने इसके ऊपर थोड़ा काम करवाया था. आई थिंक इसका राइट वाला डोर शायद खराब था तो मैंने वो ठीक करवा दिया था. बाकी वेट वेट वेट, एक आंटी जी आई है खरीदने शायद से गाड़ी. देख लो भाई बहुत सही कार है, ऐसी ड्रिफ्टे मार रही है ना आंटी, मैं क्या बताऊं. एयर बैग्स खुल जाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठोक वोक दी कोई टेंशन नहीं है. बाकी इसे बात करता हूं ये कितने पैसे देने के लिए रेडी है. ओह वेट, नुकसान का सौदा नहीं है. 7500 मैंने डील मांगी है और ये 3265 में लेने के लिए रेडी है. चल निकल, 5000 से कम की तो नहीं बेचूंगा. अगर एक सेकेंड, मुझे ना इसको थोड़ा सेल से हटाना पड़ेगा. तो इसको 2 मिनट के लिए सेल से हटाता हूँ, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों. अभी ये जो गाड़ी है ना, पहले गाड़ी में बैठता हूँ. तो यहाँ पे दिखा रहा है गाड़ी है ना काफी डर्टी हो रखी है, 92% गाड़ी गंदी है. तो फटाफट से ना इसको वॉश करवा के लाते हैं. गाड़ी जब चमकेगी ना तो कस्टमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होंगे. बाकी एक बार तुम लुक देखो भाई, $3,000 की बिकने वाली गाड़ी है, क्या बढ़िया भाग रही है भाई. तो अपनी डीलरशिप के थोड़ा ही पास में यहाँ पर कार वॉश भी है. फटाफट से एक ड्रिफ्ट मारते हैं भाई प्यारी वाली. ये भाई बहुत सही कार है यार ये. लेट्स गो, ये भाई साहब जी गाड़ी वाड़ी धो देते हैं एकदम बढ़िया करके. ये लो भाई चमका दो इसको फटाफट से. ब्लैक कार ब्राउन हो रखी है, इतनी ज्यादा गंदी है. तो इसका इंजन ऑफ कर दूं पहले. दो दो भैया फटाफट भाई. $50, नहीं नहीं लूट लो भाई मेरे को. अभी कोई बंदा गाड़ी खरीदने आएगा ना उसको मैं $50 एक्स्ट्रा मांग लूंगा, देगा नहीं. पर चलो कोई बात नहीं, मैं धुलवा लेता हूँ गाड़ी. हमारी डीलरशिप का नाम ऐसी ऊंचा होगा एक दिन, अच्छी अच्छी गाड़ियां बेचेंगे. तो बाय द वे यार, इस गेम में ना काफी सारे स्किल टूल है. तो जितना हम खेलते हैं उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है. उसके थ्रू मैं स्किल ओपन कर सकता हूँ. जैसे कि अभी मेरी बार्गेन वाली स्किल ओपन हो गई है तो मैं लोगों से बार्गेनिंग कर सकता हूँ. ऐसी एक वॉशिंग वाली स्किल है, मुझे ये ओपन करनी है. अगर ये अनलॉक होगी ना तो मैं इसकी कार वॉश पे आना नहीं पड़ेगा बार बार, मैं खुद ही अपनी गाड़ी साफ कर लूंगा. बाकी ठीक है, गाड़ी चमक चुकी है एकदम. अभी ब्लैक कार वापस से ब्लैक हो गई है. बट अरे एग्जिट कहाँ है? अच्छा घुमा के भाई, बड़ा सही बना रखा है यार इसने. लेट्स गो भाई, शहर में तो मस्त मस्त गाड़ियां आ रखी है यार. सच में यार इस गाड़ी को ना बेचने का मन कर नहीं रहा है. मतलब थोड़ी ओल्ड लुक तो है कार की बट भागती बहुत सही है यार. इसको फटाफट से ना यहाँ पे पीछे ला के पार्क करता हूँ. अब एकदम मस्त दिख रही है, इंजन ऑफ, गाड़ी एकदम मस्त चमक चुकी है. फटाफट से चल के इसे दोबारा से सेल पे लगाते हैं. प्राइस मैं अभी भी 7500 ही रखूंगा क्योंकि भाई मुझे लगता है ये गाड़ी उतना डिजर्व करती है. थोड़ा पुराना मॉडल है बट क्या दिक्कत है यार, इतने तो मिलने चाहिए. वैसे ऊपर एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि द मार्केट प्लेस इज ओपन. तो मार्केट प्लेस एक ऐसा एरिया है ना जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं अपनी गाड़ियां बेचने के लिए और कुछ भी रैंडम प्राइस होता है. एक बार घूम के आते हैं, अपने पास $7,000 है, क्या पता कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए. इसके में ना पैसे कमाने का सारा टास्क यही है कि एक बढ़िया सी सस्ती गाड़ी ढूंढो और उसे एक अच्छे रेट पे बेच दो. बट वेट भाई, ये फरारी आई हुई है यहाँ पर, ये कितने की है? ओके, ये $3,00,000.
पागल है क्या? मैं देख ले रहा हूँ भाई गाड़ी, बस मेरे को बाहर से देख के मैं खुश हो गया। अभी बहुत गरीब हूँ मैं, बाद में आऊंगा ये फरारी लेने। बाकी यहाँ पे मर्सिडीज की वी क्लास है। ओ भाई पीछे ऑडी R8। भाई यार तू आंटी इसे 6,000 डॉलर की बेच दो, अभी खरीदूंगा मैं। ओ भाई 3,93,000। इसका तो राइट वाला दरवाजा टूटा हुआ है, हमारी दुकान से रिपेयर तो करवा लो कम से कम, 1,00,000 डॉलर का रिपेयर करूंगा। अच्छा दोनों दरवाजे खराब है भाई, फिर भी 4,00,000 की बेच रही है। वेट कि पुरानी लैम्बोर्गिनी मर्सिलाजो है, ऐसे कुछ नेम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा मैं, बट यार ये बहुत पुरानी है अंकल, ये बेच दो मेरे को, बिकेगी नहीं और कहीं, सही बता रहा हूँ। 5,00,000, 5,50,000। तू बिल्कुल पागल हो गया क्या भाई, ये तो पेंट भी नहीं हो रहा इस पे। अबे ये का डब्बा है, ये सही दिख रहा है, क्या पता मिल जाए सस्ते में। दे दो भाई 22,000। भाई अपनी औकात से सब कुछ बाहर है, यहाँ पे सुपरा भी है। सुपरा देखो अंकल अभी इसकी हाइप वाइप नहीं रही उतनी, भाई 97 हाइप है भाई, हाइप है। मैं आज के बाद ना मार्केट प्लेस नहीं आऊंगा, कुछ भी अपनी औकात में नहीं है। ये छोटी सी कोई तो गाड़ी है, पता नहीं कौन सी है। दे दो यार ये 8,000 की, ये भी महंगी है भाई। ये डब्बा डब्बा तो नहीं खरीदूंगा भाई, ये खरीद तो लूंगा बिकेगा नहीं। एक बार ये छोटी वाली पूछ लेता हूँ, ये मॉडिफाई अच्छी हो रखी है, क्या पता दे दे 4,000-5,000 में। 6,000 ओके, गाड़ी मिल जाए 6,000 की, एक बार बार्गेन करके देखता हूँ। 6,500 बोल रहे हैं ना इसको, सिर्फ 6,000 बोलते हैं, क्या पता $500 कम हो गए, अभी ले लूंगा। आई कंसीडर योर ऑफर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। तो फिर निकल यहाँ से, चल नहीं चाहिए। तू कौन है भाई? मन तो कर रहा है कि आया हूँ तो एक गाड़ी खरीद के जाऊँ, थोड़ा सा और कम करवाता हूँ यार। बार्गेन में जाके 6,200 चलेगा, देख लो यार इतना $300 तो कम कर ही सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेरी फ्लेक्सिबल ऑन द प्राइस, यार नहीं बेच रहा है, ले लेता हूँ, बाय कर ली भाई मैंने। जेब खाली हो चुकी है, मैंने इस गाड़ी को खरीद लिया है कॉज इसकी कंडीशन बहुत ही सही थी भाई, बहुत सही थी, और गाड़ी काश अच्छी हो, मस्त चल रही है भाई गाड़ी तो, स्टार्ट मस्त हो। ओ वेट भाई, एग्जॉस्ट लगे हुए इसमें तो, भाई क्रेजी कार है भाई ये, लेट्स गो, भगाते हैं इसको, डीलरशिप पे लेकर चलता हूँ। बट इसकी स्पीड नहीं, स्पीड अच्छी नहीं है यार। ओ भाई ड्रिफ्ट 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 भाई, BMW फेल कर दी इसमें तो, ये देखो, ओहो भाई ये गाड़ी तो कुछ ज़्यादा तगड़ी निकली। इसे टाउन में ले जाके ड्रिफ्ट मार दे भाई यहाँ पे, ये अब एक्सीडेंट हो जाएगा भाई। चलो यार अभी ना ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, फटाफट से चलते हैं अपने डीलरशिप के लिए। भाई ये गाड़ी कहाँ जा रही है, कुछ ज्यादा ड्रिफ्टे मार रही है भाई। बड़ा यार जो भी है मजा आ गया इस गाड़ी को चला के, बहुत सही है भाई बहुत। ओ वेट दो दो कस्टमर्स आ रखे हैं, रुको 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 भाई भाई भाई, आराम से भाई, क्या हो गया? ये गाड़ी बहुत तगड़ी है भाई, बहुत ही मस्त है, मजा आ गया भाई इसे खरीद के। लाओ फटाफट से इसे पार्क कर दूं पहले यहाँ पे, और अभी जो दो कस्टमर आ रखे हैं उनको वो गाड़ी बेचते हैं, लेट्स गो। फिर इस वाली गाड़ी को भी सेल पे लगा दूंगा ना, मजा आ जाएगा। इसको निकाल लेता हूँ ये वाली गाड़ी अभी फटाफट से। देखो भाई चमकती हुई गाड़ी है, 7,500 रुक जाओ मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। हाँ जी आप कितने की ले रहे हो? 7,500 भाई, 4,000 की ले ले यार खत्म। एक सेकेंड में जो ना देख के आने थे, मैं कितने की लाया था, $3,200 की वो डील दे रहा है। बाकी ये गाड़ी पे मैंने खर्चा करा है होंडा सिविक क्या ना अपनी 2,697,530। एक मिनट कैलकुलेटर मारने दो भाई, 2,697 प्लस 530 इज इक्वल टू 3,227 मैंने, अरे अब चला गया भाई। बड़ा बेचारा मारती है यार, मैं आया ही था यार डील करने, पागल। चलो कोई बात नहीं, स्कैम हो गया। मैं दूसरी गाड़ी को लगाता हूँ सेल पे, 6573 की मैं लेकर आया हूँ, इसको भी 7,000-8,000 तो डालते ही है भाई, पुट इट ऑन सेल भाई, बिक जाए यार कुछ तो बिके। ओ वेट वेट कोई है तो, आंटी वाली गाड़ी खरीद लो, बहुत ही सही है। क्या हुआ अबे अंदर? अच्छा इधर से देखने आई है, ओके आ जाओ कस्टमर कस्टमर, भैया गाड़ी ले लो। देखो आंटी ये गाड़ी में मैं सही बता रहा हूँ बहुत खर्चा हो गया, 3,318 बहुत अच्छी डील है ये मेरे लिए, $100 का फायदा हो रहा है कहने को तो। बस दो मिनट होल्ड करना, जाइयो मत यार, 3,318 दे रही है, 3,318 3,278 निकल यहाँ से, ये ले ले गाड़ी ले फटाफट से, इससे डील बार्गेन करते हैं। देख बार्गेनिंग में 3,500 ठीक है, ये फाइनल डील है, ऑफर कर देगा, रात भी हो गए टाइम मत वेस्ट करो। ओ लेट्स गो, $100 का फायदा हो रहा था, उज्जवल भाई ने ज्यादा का कराया, थोड़ा मजा आ गया भाई। जाते जाते थोड़ी पैसों से कमाई हो जाती है ना, दिल खुश हो जाता है। पर हाँ यार अभी भी ना पैसे कमाने में वो मजा नहीं आ रहा है, $100-150 दिन के कमाता हूँ, $10 के टिकट करके कंटेनर पे जाता हूँ अपने, मतलब मैं जितना कमा रहा हूँ उतना खर्च हो जाता है यार। चलो कोई बात नहीं, अभी आज भी सोते हैं, क्या पता अपने लिए कल का दिन थोड़ा लकी हो। गुड मॉर्निंग गाइज, अगला दिन हो चुका है, फटाफट से चलते हैं वापस अपनी डीलरशिप पे, लेट्स गो। ऑफिस में वापस आ चुका हूँ और फिर से कोई दुकान के बाहर कूड़ा, दुकान नहीं सॉरी अपने शोरूम के बाहर कूड़ा फेंक गया, ये लो कूड़ा इधर डालो भाई, क्या है भाई कुछ भी। आज ना गाड़ी खरीदने के लिए मैं नेबरहुड में जाऊंगा, बट पहले थोड़ा सा पैसा आ जाए, $4,500 है, इसमें कुछ नहीं आएगा। अबे यार ये बगल वाला घर किसका है, अगर ये रेंट में मिल जाए ना मुझे बार बार इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा,
ये किसका घर है भाई, बेचेगा क्या? पहले भाई ये घर ही खरीद दूं। अरे भैंस की सीढ़ी नहीं बना रखे, चढ़ ही नहीं पा रहा मैं तो। पता नहीं भाई किस गरीब बंदे का घर है। वैसे यार आज ना 1 बजे दोबारा से कार ऑक्शन होने वाला है, तो यहाँ पर बिड लगती है। बहुत रेयर रेयर कार्स आती है, बट सारी कार्स अपने बजट के बाहर ही होती है। 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख डॉलर्स के लिए लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, यही सब आता है यहाँ पर। तो मैंने टिकट क्यों खरीद ली? अबे यार इसने पैसे काट लिए, मैं आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। मैंने गलती से यार टिकट खरीद ली उससे, तो अभी आना पड़ेगा। भाई एक बारी ये तो देखो, कल जो ड्रिफ्ट मारी है मैंने कार से, कहाँ से ड्रिफ्ट मारता हुआ लाया था भाई। टायर तो पूरे घिस गए होंगे इस गाड़ी के पीछे वाले। बड़ा यार जो भी हो, गाड़ी बिक जाए ना मजा आ जाएगा। पता नहीं यार, चलो अभी तो फिलहाल टेक्नो मोटर्स पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा, तब तक मैं सोच रहा हूँ कि नेबरहुड घूम के आता हूँ, थोड़ी सस्ती सस्ती गाड़ियां लेकर आते हैं वहां से। जल्दी पैसा कमाने का ना मेरे को एक तरीका पता चल गया है। वेट 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 भाई, बहुत पुरानी BMW दिख गई है, ये सस्ती मिल जाए ना मजा आ जाएगा। भेज दे भाई, भेज दे 4000 की, भेज दे 77 भाई। जहाँ अच्छी ब्रांड आ जाती है ना भाई, गाड़ी नहीं मिलती। हाँ तो मैं ये सोच रहा था मेरे पास $4000 है, अगर 1000-2000 में गाड़ियां ले लेता हूँ, मैं दो गाड़ियां ले जाता हूँ तो जल्दी जल्दी बेचेंगे। मतलब एक अच्छी गाड़ी खरीदने से बढ़िया दो दो तीन तीन सस्ती सस्ती गाड़ियां खरीद के मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा। यहाँ पर एक ऑडी की कोई तो है, दे भाई 32000। डैमेज कार है पूरी भाई, ये कोई तो विंटेज कार खड़ी है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है बहुत महंगी भी बिक जाए, हो सकता है बिके ही ना। 33000, हाँ ये प्रॉपर विंटेज कार है इसलिए इतनी महंगी है। उस लड़की को नॉलेज थी, उसने अपने दादा की कार संभाल के रखी है महंगी बेचने के लिए। ओह ये तो सेम वही कार है ना जो मैंने कल बेची है, अपनी आ गई क्या यहाँ पे दोबारा? $2000 दोबारा ले लेते हैं भाई इसको। इसको बार्गेन करके मैं लाता हूँ 2500 लास्ट ऑफर। बेच दे भाई, बेच दे बेच दे, थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे 2550। सोच सोच सोच, नहीं भाई ओके हो गया, खरीद ली भाई गाड़ी। मैं गाड़ी की कंडीशन नहीं देख रहा हूँ भाई, सीधा बाय कर रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी बिजनेस चलाना है भाई। फटाफट से इस गाड़ी को लेकर चलते हैं भाई। यहाँ पर एक रैंप है क्या गाड़ी कूदाने के लिए? क्रैश ना हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। कार वॉज डैमेज भाई, ये मैंने क्यों करा भाई? तो खर्चा बैठा दिया मैंने गाड़ी पे आगे का, बोनट ही गया। नुकसान करना भाई हमसे सीखे, पता नहीं कितने का खर्चा आया होगा भाई साहब, यही बताएगा अब तो। ये लो भाई लगाओ, इसे रिपेयर करो। मुझे रैंप दिखा भाई, मैंने कुदा दी मजे में। इतने का खर्चा है भाई, वैसे बोनट ही गया। देख ज्यादा महंगा $131 भाई, इतनी तो कमाई नहीं होनी इस गाड़ी से। अबे भाई एक सेकेंड, मैं ना बिल्कुल बेवकूफ हूँ, इतनी देर से मैं सोच रहा हूँ कि अपने पास कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहे। उसका रीजन ये है कि हमें ये दरवाजा यूं खोलना पड़ता है। अब ऑफिस ओपन हो गया, जब तक ऑफिस क्लोज रहेगा कोई कस्टमर नहीं आएगा भाई। क्या यार वो गाड़ी अब तक बिक गई होती, बट ठीक है अभी दो गाड़ियां आ चुकी है, कस्टमर्स आएंगे दोनों गाड़ियां देखेंगे। चलो भाई बढ़िया, इस बंदे ने वाली गाड़ी भी रिपेयर कर दी, अच्छी डील थी यार ये, $2000 में मेरे को मिल गई थी। बट खाली पीली मैंने रैंप पे जंप कराई, $130 का मैंने यूं ही नुकसान करवा लिया खाली पीली में। बाकी ठीक है, अपनी डीलरशिप पे कस्टमर आ चुके हैं, आराम से लाकर इस गाड़ी को भी मैं पार्क करता हूँ। बढ़िया, ओ भाई भाई बढ़िया चलाने लग गया मैं गाड़ी। चलो फटाफट से रुको रुको रुको, पहले इनसे बात कर लेता हूँ। अंकल बहुत सही कार है, रुको पता करते हैं भाई पहले लाया कितने की मैं। 8000 की मैंने डाली है, आई एम थिंकिंग 6992। भाई तुम क्यों बार्गेनिंग करते हो इतनी, आप बताओ आंटी। 8000, आई एम थिंकिंग 7656। बहुत सही डील मिल गई भाई, 7700 नहीं 7750। थोड़ा सा बढ़ा के ही बेचनी चाहिए भाई हमेशा। लेट्स गो भाई, बिक गई बिक गई भाई, इस बार सही प्रॉफिट हुआ है। जल्दी से जो दूसरी कार है ना इसे भी बार्गेन भाई, मजा आ गया अभी मेरे को, आ गया पैसा कमाना। होंडा सिविक में लाया था 2600 की, 131 ऊपर से लगाए, इस गाड़ी को हम बेचेंगे 3200। लेट्स गो, सेल पे डाल दिया। एक बार दोबारा चेक कर लेता हूँ मेरा टोटल लगा कितना है इस पे। देखो यार गाड़ी कहीं से डैमेज वैमेज नहीं है, थोड़ी डर्टी है, फ्यूल भी ठीक ठाक भरा हुआ है। अप्रोक्स 2700 मैंने इस पे लगाए हैं और गाड़ी मुझे 3000 के आसपास में बेच देनी है। सेल पे लगी हुई है, 1 बजे ऑक्शन होना था जो कि शायद से ओवर तो नहीं हुआ। एक बारी होकर आते हैं, क्या पता लकीली कोई गाड़ी मिल जाए। अभी जेब में पैसा है, $9000 है मेरे पास। भाई 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 भाई, भाई वेट, भीड़ लगी हुई है क्योंकि यहाँ पर फरारी सुप्रा क्या मस्त मस्त कार्स आ रखी है। ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। गाड़ियां तो है और यहाँ पर भाई लाखों में बात हो रही है। मैं करने क्या आया हूँ यहाँ पे, मैं क्या बेइज्जती करवाने आया हूँ क्या भाई यहाँ पे? दो गाड़ियां ऑलरेडी बिक चुकी है, तीसरी गाड़ियां चल रही है। हट बे फालतू जगह, आज के बाद नहीं आऊंगा यहाँ भाई। बेइज्जती अलग होती है, हमारी जेब में है $10000, वहाँ पर जा रहे हैं हम गाड़ियाँ 4-4 लाख की देखने। इससे बढ़िया मैं फटाफट से एक बारी नेबरहुड में होकर आता हूँ, क्या पता भाई कुछ बढ़िया मिल जाए। तो एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, ये अच्छी लग रही है यार, थोड़ा न्यू मॉडल है, स्पॉइलर वगैरह यार, स्पोर्ट्स कार है। कितने की बेच रहा है? 10000 भाई, वेट ऑडी TT जैसे नहीं, ये शेवरलेट है। ये गाड़ी को होल्ड पे रखते हैं, ये मतलब 10000 की दे रहा है, मेरे पास 9200 है, तो शायद बार्गेन करके आ जाए। वैसे 100% श्योर तो नहीं है कि वो $1000 कम करेगा। बाकी ये वाली BMW अभी भी अवेलेबल है। ये कितने की बेच रहा था? 77 निकल यहाँ से। भाई ऑफिस पे कस्टमर आया हुआ है, फटाफट से चलते हैं, गाड़ी खरीद लेता हूँ, जल्दी से पहुंचते हैं, उसको गाड़ी वाड़ी बेच के आते हैं। ओ वेट एक सेकंड, इस वाली गाड़ी पे मुझे बहुत सही डील मिली थी और उसी गाड़ी का एक और मॉडल मुझे मिल गया है, बट ये थोड़ा बहुत डैमेज है, इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा। पर अगर सस्ती मिल जाए तो क्या दिक्कत है। 15000
पागल हो गया। 2000 में तो एकदम नई जैसी लेकर आया था मैं। ओ वेट 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 वेट, यहाँ पर एक ऑडी है, इससे बात करता हूँ। बेच दे भाई 8000 में से, 56 भाई नहीं औकात से बाहर है। ठीक है, तो अभी घुमा फिरा के मैं उसी बंदे के पास आ चुका हूँ जो कि हमें 10,000 की बेच रहा था, 10,374। तो बार्गेन करते हैं इससे 9,000, इतने ही है मेरे पास, पूरा ही लगा देता हूँ उस पर 229, नहीं चलो 9,000। हाँ यार 1100 और ले, बेच दे इसको तुरंत खरीद दूंगा। यूर ऑफर बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट। अरे यार नहीं बेच रहा यार, ये मस्त है गाड़ी बेट। ओ वेट, ये गाड़ी भी अच्छी लग रही है, सस्ती मिल जाएगी वाली शायद, 10,000। अबे यार जान मुझ के मेरी क्या जेब देख के बात कर रहे हो क्या? मेरी जेब में 9 पड़े हैं, तो सारी गाड़ियां 10 की बेचनी है भाई, 9 की दे रहा है तो ठीक है, टू मच लो, निकल यहाँ से। अभी हार मान के मुझे ये डब्बा ही खरीदना पड़ेगा। वैसे तो ऑडी है ये शायद पुरानी सी, बट ले लेते हैं अभी मिल जाए तो। ओ भाई 12,000 पागल है क्या, ये तो देख की सस्ती लग रही है। ओ भाई आज तो नेबरहुड में घूमते घूमते रात हो गई, और जितने भी बंदे थे सारी गाड़ियां अपनी घर में ले जा चुके हैं, मुझे भी वापस से चलना चाहिए। ऑफिस ओपन हो रखा है, चोरी वोरी तो नहीं होती ना, मैं डायरेक्ट जाके सो जाता हूँ अभी कंटेनर में स्लीप। आज हमने $5,000 का प्रॉफिट कमाया। नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग गाइस, द कार मार्केट प्लेस इज ओपन, तो ऑफिस पे बाद में चलेंगे, पहले कार मार्केट पे चलते हैं। हाँ लेट्स गो, आज भी कोई बढ़िया सी गाड़ी मिल जाए, क्योंकि यहाँ से जो मैं गाड़ी खरीद के ले गया था ना उस पे एक अलग लेवल प्रॉफिट मिला है। आज भी यहाँ पर आ तो रखी है भाई गाड़ी, मैं ये लैम्बोर्गिनी नहीं देखने वाला भाई, अपने रेंज में होती है नहीं, इनसे बात करते हैं। 4,955 बहुत अच्छी कार है, इसको लेके जाऊंगा मैं, ये फायदा कराएगी। तो एक तो मेरी चेकलिस्ट में आ गई है, बाकी पीछे यहाँ पर एक मर्सिडीज है। ओ भाई ये भी बहुत सही है, कूपे है, कितने की है 96, नहीं औकात से बाहर है। ओ वेट भाई पीछे फोर्ड मस्टैंग आ रखी है ब्लैक कलर की, और ये कितने की मिल जाएगी, 40, कितने 40। ओ भाई तुक्का भेड़ा था, तो सही में उतने की मिल रही है। हाँ यहाँ पर पीछे एक पिकअप व्हीकल है जो कि मुझे नहीं पसंद, और यहाँ पर भी इसका बोनट वगैरह खराब है, थोड़ी बहुत गाड़ी डैमेज है, क्या पता सस्ती मिल जाए। दो गाड़ियां लेके जाऊंगा, 11,000, नहीं बजट से बाहर हो गई। फिलहाल अभी ऑफिस पे कस्टमर आ रखे हैं, तो मुझे जल्दी से चलना चाहिए। आप कितने की बेच रहे हो गाड़ी? 3,00,000। फरारी है भाई, पिस्ता है तो महंगी ही जाएगी। बाकी ठीक है, इन भाई साहब जी से डील कर लेते हैं, इसकी गाड़ी मुझे पसंद आ गई थी, ये बेच रहा है 4,955 की, बार्गेन करके $200 कम कराता है, ज्यादा नहीं, 4,800। खत्म बात, डील कर अभी, मजा आ जाएगा। ओके हो गया डील, अभी तुम्हारे भाई को आ गया भाई, काम कैसे करना है। फटाफट से अब गाड़ी भगाते हैं, जल्दी से चलते हैं ऑफिस पे भाई, कस्टमर वेट कर रहे हैं। बाकी अपना एक और न्यू स्किल पॉइंट अनलॉक हो चुका है, मुझे देखना है अभी मैं उस स्किल पॉइंट को कहां पर यूज कर सकता हूं। बट यस गाड़ी बहुत सही मिली है, फ्यूल भी अच्छा खासा है, ट्राई करूंगा कि आज के दिन ही मैं इस गाड़ी को बेच दूं। 100 की स्पीड में चल रही है भाई, पता भी नहीं चल रहा। ओ भाई ओवरटेकिंग भी मस्त हो रही है भाई, सच में यार गाड़ी की। ओ सॉरी, फ्रंट राइट फेंडर डैमेज, गाड़ी की स्पीड डाउन। बोलने ही वाला था यार, गाड़ी थोड़ी संभाल के चलानी चाहिए, स्पीड अच्छी खासी है बट थोड़ा नुकसान करवा लिया, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, गाड़ी को यहीं पे खड़े करते हैं, जल्दी से चलते हैं एक बार अंदर। हाँ जी, गाड़ी कितने के ले रहे हो? आई नीड टू थिंक, आई विल टेक। सेम प्राइस में बिक रही है, खरीद भाई अभी। पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जितना मैंने रेट डाला उतने की बिक गई गाड़ी, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे तो। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत कचरा सचरा फेंको, अच्छी खासी गाड़ी आई थी, इसको डैमेज करवा दिया मैंने। मेरे को पता क्या लग रहा है, मैं इसीलिए पैसे नहीं कमा पा रहा, मैं खुद ही गाड़ी चलाने में मस्त हो जाता हूँ, उसे ठोक देता हूँ, नुकसान करा लेता हूँ। क्या बढ़िया भाग रही थी, और अभी देखो गाड़ी की स्पीड अचानक से डाउन हो गई है। हाँ जी भाई, सब कितने की रिपेयर होगी अब ये बताओ भाई? 283 कर दे भाई, कर दे, तू भी क्या याद रखे। चलो तो गाड़ी रिपेयर हो रही है, बाकी हाँ आज एक बारी दोबारा से चलेंगे मार्केट प्लेस पे, एंड एक बारी नेबरहुड में भी होके आएंगे, क्या पता कुछ कुछ गाड़ियां मुझे सस्ते में मिल जाए। बाकी हाँ जी अंकल, होमलेस। अबे मैं क्या करूँ, होमलेस है तो पैसे दे दिए भाई, तू दुआ दे अब मेरे को। हाँ यार मैं भी होमलेस ही हूँ भाई, वो कंटेनर में रह रहा हूँ पता नहीं किसके। चलो कोई नहीं, गाड़ी वाड़ी रिपेयर हो गई, फटाफट से चलाते हैं इसे, लेट्स गो। देखने में तो बहुत सुपर कूल है भाई गाड़ी, मतलब ऐसा ओए ओए भाई पागल हो गया तुम, इधर रेड लाइट लगवाओ भाई, स्पीड ब्रेकर लगवाओ यहाँ। चलो ठीक है भाई, गाड़ी भी मस्त यहाँ पर लाके पार्क करता हूँ। यस बंद, ओए चालू चालू, ठुकना नहीं है पीछे भाई, ठुक जाते भी तो। चलो अभी चल के इस गाड़ी को लगाते हैं सेल पे। वेब पेज मैं लाया था 4,800 की, खर्चा मैंने कर दिया 283, इन गाड़ी में बेचूंगा 6,000 की। ठीक है, पुट इट ऑन सेल, सेट्रियन की है ये ब्रांड, मेरे को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट हाँ मैंने फॉरेन कंट्रीज में देखा और शायद से भी इंडिया में भी आ गया। ओके तो मेरा प्लान था मैं जाऊंगा मार्केट प्लेस, बट उससे पहले एक स्किल पॉइंट ले लेते हैं। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक पॉइंट ऐसा लूं कि जिससे मैं कार को बहुत अच्छे से डिटेल में देख पाऊं, क्योंकि कभी कभार गाड़ी ना बिकने के रीजन या फिर सस्ते में बिकने के रीजन ऐसे होते हैं जिस पार्ट्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता और कस्टमर वो पता कर लेता है। या फिर मेरे पास एक तरीका यह है कि मैं स्पॉन्ज ले लूं इस स्किल पॉइंट से, जिससे कि मैं गाड़ी को बस क्लीन कर पाऊंगा। वैसे यार देखो, क्लीन में उसकी दुकान जाके भी करवा सकता हूँ, इसलिए मैं डिटेल्स वाला ऑप्शन अनलॉक करता हूँ। गाड़ी खरीदने से पहले यार उसकी इन्फॉर्मेशन अगर अच्छे से होगी ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट एक सेकंड, कस्टमर आया भाई। आंटी अभी खरीद लो गाड़ी। आंटी अंकल है? हाँ अंकल, अंकल अंकल अभी फटाफट से ले लो यार, ये वाली गाड़ी 6,000 की है, दैट्स अ फेयर प्राइस, आई विल बाय इट। भाई क्या हो गया,
खरीदो खरीदो, मैं कम प्राइस डाल रहा हूँ क्या? क्या हो रहा है भाई ये? मुझे थोड़ा बढ़ा के डालना चाहिए था, जितना डाल रहा हूँ उतने में ही बिक रहा है भाई। चलो भाई अब मैं कार मार्केट जाऊँ या फिर एक बार नेबरहुड चलते हैं भाई। आज जेब में अच्छा खासा पैसा भाई, लाइन से गाड़ियाँ खरीदूंगा सारी। तो एक ये वाली गाड़ी है, ये मैं टेस्टिंग के लिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं इसमें डिटेल चेक कर सकता हूँ काफी। हेलो हे ड्यूड, अ व्हीकल विद टर्बो इंस्टॉल्ड कैन नॉट बी चीप, आई एम ऑफरिंग यू 8,859। टर्बो इंस्टॉल हो रखा है इसके अंदर। मैं कार को देखता हूँ ताकि मैं उसकी एक्स्ट्रा डिटेल ले पाऊँ। ओके लुक कार, देखो इसमें प्रॉपर पता चल रहा है कि कोई भी पार्ट डैमेज नहीं है, सब कुछ एकदम करेक्ट है। ठीक है इस गाड़ी को होल्ड पे रखते हैं, मेरे पास 8,000 है, मैं ले सकता हूँ इसे बाद में। बाकी यहाँ पर एक भाई, ये वही सेम कार है जो मैंने कल बेची थी। कितने की दे रहा है ये? 4,000 की। डैमेज है देखो, इसका बोनट डैमेज है और रियर वाली चीज डैमेज है और 6,000 की दे रहा है। बार्गेन करके ना एक बार इसे 4,500 बोलता हूँ। नहीं छोड़ो ना, चल वे इससे बढ़िया मिल जाएगी। ओ भाई वो कितनी देर ला रहा है, आराम से चला भाई। तो यहाँ पर एक होंडा सिविक है जो कि बहुत ही बुरी कंडीशन में है। कितने की बिक जाएगी ये? डैमेज 31% है, तभी 2,000 की मिल रही है भाई। ये गाड़ी लेंगे रिपेयर कराएंगे, $400-500 में हो जाएगी। बाकी मॉडल 1997 है, काफी पुराना मॉडल है। थोड़ा रुक के आता हूँ मैं, ऑप्शन में मैंने डाल लिया इसे। क्या पता इससे अच्छी अच्छी कार्स हो यार आगे अवेलेबल, में क्यों खाली पीली खरीद रहा हूँ। यहाँ पर एक BMW मिल रही है, कितने के? 36% डैमेज है, 10,000 की दे रहा है। ओह नॉट बैड, खरीदनी चाहिए क्या एक BMW? हाँ यार, अपनी डीलरशिप पे अभी तक भी कोई बड़े ब्रांड का कार नहीं आया, मतलब कोई ऐसा लग्जरी ब्रांड का नहीं आया। एक लेकर चलते हैं भाई, एक तो बनती है, थोड़ा नुकसान का सौदा हो सकता है। द रिपोर्ट मे बी फेक, यू कैन पे एन एक्सपर्ट टू सी द करेक्ट रिजल्ट। अब ये कर रहा है भाई, $1,000 दूंगा तो शायद से, मतलब हो सकता है रिपोर्ट जो फेक हो। 2012 मॉडल की गाड़ी है, रिस्क लूं या फिर बार्गेन करके देखता हूं। मैं अभी नहीं दे रहा $1,000, इतना पैसा नहीं है भाई। 10,000 की बेच रहा है, $300 इससे कम करवा लेता हूँ। ठीक है 10,000 ऑफर कर दिया मैंने, आई एम थिंकिंग आई डबल। ओके मुझे और कम करवाना चाहिए था, बेच के चला गया तुरंत। ठीक है गाड़ी चालू तो हो गई है अभी भाई, फर्स्ट टाइम है मैं इस गेम में कोई ऐसे कोई लग्जरी ब्रांड का कार चलाने वाला हूँ। लेट्स गो भाई, बहुत खचाड़ा है यार ये, पैसा खराब कर। ओ वेट, यहाँ पे सुप्रा थी भाई, ये क्या हो गया? अब ऐसा ना हो कि ये सुप्रा मुझे $10,000 में बेच रहा है, तेरे मैं मारूंगा उसको 1,00,000 का बेच। 83 है, ठीक है हाँ, औकात से बाहर है तो चलेगा भाई। सुप्रा के रेट बहुत ज्यादा हाई है इस गेम में, पता नहीं क्यों भाई। गाड़ी ना बिल्कुल बज रही है भाई, मतलब शोर मचा रही है बहुत ज्यादा, बहुत गंदा साउंड आ रहा है भाई गाड़ी से, बहुत गंदा। पर ठीक है, जितनी गंदी ये गाड़ी दिख रही है ना, अभी वॉश होने के बाद एंड रिपेयर होने के बाद ये उतनी चमकने वाली है और इसे मैं बहुत महंगा बेचूंगा। एंड BMW है तो भाई एक ड्रिफ्ट तो बनती है इस पे। चलो भाई, ओहो ओहो नहीं यार, अभी ना इसकी कंडीशन है नहीं ड्रिफ्ट मारने वाली, टायर वायर भी पता नहीं कोई घटिया से लगे हुए हैं इस पे, ऐसा लग रहा है। इस पे तो बहुत अच्छा खासा काम करवाना पड़ेगा भाई इसे अच्छे रेट में बेचने के लिए। एक्सपेरिमेंट करते हैं, $3,000 है, सारे पैसे इस गाड़ी पे लगवाते हैं और बेच के देखता हूँ कितने की बिकेगी। इंजन ऑफ, 2012 मॉडल है, बंदे इंटरेस्टेड होंगे लेने में। तो भाई साहब देखो $720, बहुत ज्यादा खराब थी भाई, $720 लग गया रिपेयरिंग में। यार एक बार ना मैं जैक जंक यार्ड होकर आता हूँ जब तक गाड़ी रिपेयर हो रही है, मुझे पता नहीं है यहाँ पर क्या मिलता है। क्या है ये सब? कलेक्ट ट्रैश, ये बिक जाता है क्या? ओ वेट यहाँ पर देखो थोड़ा बहुत कचरा सचरा पड़ा हुआ है, इससे उठा के इसी को बेच सकता हूँ क्या? ओ भाई ये तो प्रॉपर स्कैम है, मैंने इसकी दुकान से लोहा उठा के इसको बेच दिया। ओ सही है, मतलब हो सकता है कि सिटी में और भी काफी जगह पर ऐसे ये सब पड़ा हो तो मैं वहां से लाकर बेच सकता हूँ। भाई सब कितना काम रह गया यार। अच्छा बैक बम्पर रह रहा है, कर दो भाई कर दो, वेट कर रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत गाड़ी खरीद ली शायद से, या तो बहुत ज्यादा नुकसान ही होगा या बहुत ज्यादा प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि मैं गाड़ी पे अच्छा खासा पैसा भी लगाने वाला हूँ। टायर चेंज करवाऊंगा भाई, मैं टायर से बहुत सही हो जाएगी इसकी लुक, पेंट भी करवा देंगे इस पे दोबारा। लेट्स गो, चलो भाई कार में एंड गाड़ी की ओवरऑल लुक अभी तो काफी सही हो चुकी है। एक बारी थोड़ा सा भगा के चेक करता हूँ इसे। यार गाड़ी में साउंड बड़ा खराब आ रहा है, इसका इंजन फूक गया है क्या? एक बारी ट्यूनिंग के लिए लाता हूँ, टर्बो लगवा दूंगा इसमें। हाँ जी भाई सब, क्या क्या हो जाएगा गाड़ी के अंदर? रेसिंग किट लग जाएगी, ड्रिफ्ट किट 750 की है, टर्बो 250 का है। टर्बो लगाओ इसके अंदर, ड्रिफ्ट किट लगाओ, लाइट्स ठीक है, लाइट्स वाइट से कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हील्स मेरे को चेंज करवाने हैं भाई, व्हील्स के तो भर भर के ऑप्शन है इसके पास, ये वाला है ये वाला है। जहाँ तक मुझे याद है BMW स्टाइल व्हील्स वैसे तो बहुत टाइप के आते हैं, ये वाले BMW में चलते हैं काफी। ओ भाई ये तो फुल माफिया वाइब दे रहे हैं ब्लैक वाले। भाई ड्रिफ्ट वाले व्हील्स ना एक्चुअल में ये सब है, ये जो जितने आ रहे हैं ना ये काफी तगड़े हैं। एंड प्राइस मेरी औकात से बाहर है, लेकिन इनका 400 के हैं, 750 के, ये 1,500 के। भाई खत्म हो जाएगा सारा पैसा मेरा, कुछ सस्ते में नहीं है क्या यार? यार डिफॉल्ट टायर से इतने गंदे लग रहे हैं ना, इसकी वजह से बंदा गाड़ी लेगा ही नहीं। ओले वो बंदा ही चला गया। चलो फिर मैं भी जाता हूँ सोने, अगले दिन दोबारा आएंगे। नेक्स्ट डे हो चुका है भाई, मेरे को आज बहुत टेंशन हो रहा है, मैं सच में गलत गाड़ी खरीद के ले आऊं, मेरे को प्रॉपर ऐसा फील हो रहा है। खर्चा बहुत हो गया गाड़ी पे,
पता नहीं कितने की बिकेगी। भाई साहब कल रात को जब काम कर रहा था पूरा तो कंप्लीट करके जाता है, ऐसी भाग गया। हाँ तो मैं कह रहा था व्हील्स 750 वाले लगवाते हैं, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, डिफॉल्ट जो लगकर आए थे उससे तो लाख गुना बेटर है। अब एक बार यहाँ तक आया हूँ तो गाड़ी को पेंट करवाने भी चल लेता हूँ पीछे। एंड पेंट में ना मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला, जो फैक्ट्री कलर है ना इसी को दोबारा रीपेंट करवाते हैं क्योंकि बहुत गंदा सा हो गया है। वैसे तो पॉलिश करवानी है, थोड़ी शाइन आए भाई गाड़ी में। मैं कलर्स भी करवा सकता हूँ यार, बहुत सही जरूरी थोड़ी है वही कलर। एक तो गाड़ी गंदी इतनी है ना, पेंट भी नहीं समझ आ रहा है। भाई पेंट कर रहा है वॉश तो करके दे, अब अलग से जाऊँगा मैं वॉशिंग के लिए। भाई ये रेड कर दे भाई, पेंट कर दे, अब इसे वॉश करवा लेता हूँ। भाई गरीब हो गया भाई इस गाड़ी को लेकर मैं सही में। ड्रिफ्ट किट लगवाइए एक बार चल के ना, ड्रिफ्ट किट लगवाइए ना इसमें एक बार चल के चेक करता हूँ आखिर कितनी ड्रिफ्ट मार रही है अपनी ये गाड़ी। अभी तक तो खैर ओहो ओ फिसलने तो लग गए भाई। एक बार अंदर घुसेड़ता है, हो गया भाई नुकसान, हो गया भाई। आज ही इस गाड़ी को बेचूंगा भाई, जब से आई है ना मेरा सारा पैसा उड़ गया, जितना कमाया था सारा इस पे लग गया भाई। तो सच में कार्स के बिजनेस में ऐसा एक्चुअल में भी होता है। वॉश कर भाई तू इसको, गुस्सा आ रहा है भाई बहुत ज्यादा। मैं जा रहा हूँ दुकान में, सामान भी नहीं खरीदने देंगे, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, टॉयलेट भी बंद है। भाई तुमने खोल क्यों रखा है पेट्रोल पंप? बाकी इसकी गलती, ये तो बेचारा कार वॉश वाला नहा भी लेता है यहीं पे खड़े खड़े। चमका दे भाई गाड़ी, इतनी चमका दे कि आज आती बिक जाए। ये गाड़ी चोरी वोरी कर सकते हैं क्या यार? चोरी वोरी का सिस्टम भी दो गेम में। आई एम करेंटली डीलिंग विद अनदर व्हीकल। चलो 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 लेट्स गो भाई, गाड़ी मस्त एकदम वॉश हो चुकी है, फटाफट से बैठते हैं। न्यू जैसी लुक तो आ रही है भाई, अभी इतनी देर से नहीं आ रही थी बट अभी गाड़ी बहुत सही दिख रही है। तो भाई सच में यार गाड़ी में पावर बहुत कम है यार, सही में। वो सब गाड़ियां ऐसे सो पहुंचती थी ना मजा आ जाता था, ये काफी टाइम लगाती है। बाकी गाड़ी का एक पार्ट डैमेज हुआ था, मैं इसको डैमेज में ही बेच रहा हूँ अभी, ठीक है? इतना टाइम नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं दोबारा ले आके पैसे गंदे फेंक के चले जाते हैं लोग, सफाई मेरे को करनी पड़ती है। यहाँ पे लगाते हैं वेब पेज पे अपनी BMW। 2% डैमेज है यार, कुछ नहीं होता इतना। बाय प्राइस 10,000 2,800 200 ऊपर से लगा चुका हूँ। 14 की बिक जाए भाई, मेरे सर 15 डालते हैं, क्या पता बड़ा ब्रांड है इजीली बिक जाता हूँ। 15 नहीं 16 डाल के देखते हैं, डाल दो इतना। हाँ बिक जाए भाई आज, आज आज हो जाए, देखते हैं कि ये गाड़ी नुकसान करवाती है फिर फायदा। अप्रोक्स $1,300 मैंने इस पे लगाए हैं, $1,600 की मैं बेच रहा हूँ, मतलब मेरे को ज्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए पर मैं चाहता हूँ इस गाड़ी से मेरा कोई नुकसान भी ना हो, सब कोई सीन नहीं है। भाई कोई आके खरीद लो भाई प्लीज, मजा आ जाएगा। एक तो पता नहीं ये क्यों लिखकर आ रहा है यू हैव अनपेड बिल्स, किसका पैसा खा गया मैं? इसके पास आते हैं भाई, इस पे थोड़ा ट्रैश व्रैश इकट्ठा करके इसी को बेच दो, मजा आ जाता है। इतने पैसे देगा 509। ओ भाई $30-40 तो मिल जाते हैं इससे, गाड़ी वॉशिंग टिकट विकेट का खर्चा निकल जाता है। ओए काफी सारी गाड़ियां जा रही है, काफिला जा रहा है भाई पूरा, कहां जा रहे हैं? टेक्नो मोटर्स भाई कब होगा ये बड़ा ब्रांड? भाई मैं बैठ रहा हूँ सोफे पे, पता नहीं कब कौन सा कस्टमर आएगा। आ जाओ यार ले जाओ भाई इस गाड़ी को प्लीज, जेब खाली हो गई है, टेंशन हो रही है, इतना कमाया था सब लुट गया। ओके कोई तो कस्टमर आया भाई, लेट्स गो बात करते हैं इससे। मुझे पता नहीं है कि कितने की गाड़ी खरीदने वाला है, काश इस बार भी ऐसा हो कि जितने की डली उतने की ले जाए। हे एक सेकंड, हाउ अबाउट $1,600? द बेस्ट थिंग अबाउट दिस कार इज दैट इट्स बजट फ्रेंडली, दिस प्राइस इज बॉदरिंग मी जस्ट अ मिनट। आई एम $1,600? एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं कितना डाल के आया हूँ यहाँ पे? 1600? पागल हूँ क्या मैं? 16,000 डालना था भाई, क्या हो गया मेरे को? उसमें पुट इट ऑन सेल भाई, टेंशन हो गया था मुझे, नुकसान हो जाता भाई, तो वो $1,600 डाल लगा था मैंने इतनी देर से। ओके मैं एक नया स्किल अभी ओपन नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे स्किल्स ओपन होंगे ना उतने ज्यादा चांस होंगे हमारे प्रो बनने के, मतलब जितनी ज्यादा स्किल उतनी अच्छी गाड़ियां उतने सस्ते रेट में मैं ले पाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा महंगे रेट में बेच पाऊंगा, बार्गेनिंग पावर अपनी बढ़ जाएगी ना। क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा अनपेड बिल्स किसके हैं। ओ वेट कोई तो कस्टमर आया। ओ भाई दो कस्टमर्स, नाइस। अब तो गाड़ी बिक के रहेगी, 16,000 की है, आई एम थिंकिंग 13,000, नॉट बैड, जितने की लाया था एटलीस्ट उतने की तो बिक रही है। 16,000 14,000 भाई मिलते हैं, महंगी गाड़ी का पैसा मिलता है आज तो पता चल गया। वेट एक बार मैं थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन कर लूँ, तुम लोग जाना मत, इसे बात करता हूँ। ये 14,400 बोल रही है ना, इससे बार्गेन करके बस 14,600 बोल के इस गाड़ी को निकालते हैं भाई, मुझे ज्यादा नहीं कमाना है इस गाड़ी से, वैसे निकल जाए मेरी जेब में मेरा पैसा आ जाए, लेट्स गो भाई। जेब भर गई वापस, टेंशन खत्म भाई, $15,000 आ गए, जितना मैंने लगाया था उसको 10,000 का लिया था, $1,300 की गाड़ी पड़ी थी, मैंने $1,500 का, भाई बुरा नहीं है यार, $1,500 कमाया मैंने उस गाड़ी से, मतलब किसी भी टाइप का गाड़ी ले लो नुकसान नहीं होता भाई, आज पता चल गया। और अब भी ना
अभी जेब में मोटा पैसा आने लग गया, $15,000 हो गए हैं। लास्ट टाइम हमारे पास कितना कम था, आज भी हमने बहुत कम से स्टार्ट करा था और गाड़ियां बेच बेच के भर दिया है। तो चलो गाइस, आज के सारी वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा और काफी नॉलेज वाला भी रहा होगा, मतलब मेरे लिए तो था भाई। मैं पूरा फंस गया था एंड में, पूरा जितना पैसा कमाया था वो सारा एक ही गाड़ी पे लगा दिया भाई, लिटरली $12,000-$13,000 सिर्फ एक कार पे। बट ठीक है, एट द एंड वो भी बिक गई और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा हुआ। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी मैं थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गया हूँ। बट हाँ, गेम में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें खेल खेल के अपने स्किल पॉइंट्स अनलॉक करने हैं। एक बार ही बहुत सारी स्किल्स अनलॉक हो जाएगी तो फिर हम लोग अच्छे से गाड़ियां ले पाएंगे और बहुत महंगी बेच पाएंगे। तो अभी $15,000 तक आ चुके हैं। आई होप अगली एक दो वीडियो में $100,000 की भी गाड़ियां अफोर्ड कर पाए और उसको 1,00,000 का लेके 1,50,000 का बेचे, तब होगा भाई इसलिए फायदा। तो पहुंचेंगे भाई मस्टैंग, सुपरा, फरारी, लैम्बो सब तक पहुंचेंगे। तो बने रहो सीरीज के साथ, कमेंट्स करो अपनी फेवरेट कार का नाम, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा भाई लेकर आएगा। बाकी यहाँ यार चैनल पर न्यू हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे भी फटाफट से जाके दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।